घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सीसेट हटाने को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा। छात्रों के साथ कुछ राजनेता भी सरकार के फैसले से असंतुष्ट। मेरठ में एक लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 3 गिरफ्तार। संसद में भी उठा मामला। और सुप्रीम कोर्ट का उपराज्यपाल को निर्देश, कहा दिल्ली में 1 महीने में बनाओ सरकार या विधानसभा भंग कर कराओ चुनाव। और सबसे पहले बात करते हैं सीसेट पे हंगामा की। सीसेट पे हंगामा है और हंगामा सिर्फ संसद में नहीं, सड़क पे भी है। सड़क पे छात्र बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं सीसेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और ये इस मांग को लेके कुछ राजनीतिक दल के नेता संसद में भी इस बात को उठाते नजर आए। सरकार के जो फैसले हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। अलग अलग जो नेता हैं आपको हम सुनाते हैं कि नकवी साहब ने क्या कहा इस मसले पर। यूपीए सरकार ने यूपीएससी के मुद्दे पर जो गड़बड़ झाला किया था और जिसका नतीजा कि आज पूरे देश भर में आक्रोश और गुस्से के रूप में दिखाई पड़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की संवेदनशीलता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ईमानदारी का नतीजा है कि इतने कम समय में, मात्र 2 महीने के अंदर जब ये बात सरकार की जानकारी में आई तो सरकार ने उसको उसके समाधान की दिशा में पुख्ता और सकारात्मक और मजबूत कदम उठाया है। और निश्चित तौर से जो सरकार ने कदम उठाया है वो कदम जो है वो संतोषजनक है और ठीक है। राजीव शुक्ला जी क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, ये आप सुन लें। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब तरफ के छात्र संतुष्ट हों, क्योंकि युवाओं में, छात्रों में बहुत भारी रोष है सरकार के प्रति, क्योंकि हर तरफ के छात्रों को इसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनका भविष्य अंधकार में पड़ गया। तो सदन में पूरी बहस इस पे हो जाए और उसके बाद सरकार एक निर्णय पे पहुँचे ताकि किसी भी छात्र का नुकसान ना हो, सारी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो, सारी भारतीय भाषाओं को इसमें महत्व तो मिले और किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है वो किसी छात्र का ना हो। बात है राजीव शुक्ला जी, जब आप सरकार में थे तब ये बात आपको नहीं समझ में आई कि सरकार क्या कर रही है और इससे कितने लोगों के भविष्य को आप अंधेरा में डाल रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आई। विपक्ष में आते ही आपको ये समझ में आने लगा है। खैर, ऑस्कर फर्नांडिस क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें। इश्यू विल बी डिस्कस्ड इन द हाउस मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वी हैव इंसिस्टेड दैट इट शुड बी टेकन अप इमीडिएटली। शरद यादव क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें। सीसेट के जो विद्यार्थी है वो कह रहे हैं सीसेट हटाओ, यानी सिविल सर्विस में एप्टीट्यूड टेस्ट जो रखा गया है उसमें फर्स्ट पेपर के खिलाफ नहीं लड़के, जो सेकंड पेपर है उसके बारे में उनका कहना है कि इसके आने के बाद भारतीय भाषाओं के लड़कों का, और भारतीय भाषाओं के लड़कों को आप ले रहे हैं काय में एडमिनिस्ट्रेशन में, जो देश को नहीं समझेगा तो ये मैनेजर वालों का नहीं है, ये बैंकिंग वालों का नहीं है, ये इंस्पेक्टर का नहीं है, ये जनरल नॉलेज का भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन का है। शासक चाहिए आपको, और पहले जो लड़के पास हो रहे थे वो शासक नहीं थे क्या? यानी आपने जो काम किया है वो अधूरा है और लड़के जो है उससे संतुष्ट नहीं है। और कालराज मिश्र बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, मोदी सरकार में, क्या कह रहे हैं? विपक्ष अब जाति कर रहा है और ये तो यूपीए गवर्नमेंट के समय का मामला है और इसमें सारी चीजें बता भी दी गई, कह भी दिया गया कि भाई अंग्रेजी का मेरिट के अंतर्गत कोई गणना नहीं हो पाएगी, उसके पश्चात भी इसको शोर मचाना करना और 24 तारीख को परीक्षा है और इसमें कह देना कि आप इसको स्वीकार करिए उसको स्वीकार करिए, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कह रहे हैं कि विपक्ष की जाति है। आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान दे रहे हैं? नो, आई थिंक द मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर नॉट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड सिमिलर ट्रीटमेंट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, आई थिंक दैट इज द रियल इशू। कांग्रेस कह रहे हैं इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर की बात। केटीएस तुलसी साहब क्या कह रहे हैं इस सीसैट के मसले पर? ऑटोनॉमी बरकरार है, उन्होंने इम्तिहान लेना है, उन्होंने इम्तिहान इवेल्यूएट करना है, सिलेक्शन करनी है, वो उस बात में ऑटोनॉमी है उनकी।
मगर उनके क्वेश्चन पेपर्स की ट्रांसलेशन किस किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, ये सारे देश का मामला है। ये सारे देश का मामला है और इस मामले पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इनके शुक्ला साहब हैं, सीपीएम के नेता हैं, और रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता नीता मिश्रा जुड़ेंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ नीता मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले शुक्ला जी, अब जो बात छात्र कह रहे थे, जो बात सरकार ने निर्णय लिया और उसके बाद जो राजनेता कह रहे हैं और जो बात फिर से छात्र कह रहे हैं, कुल मिलाकर के यहाँ से जो स्थिति दिख रही है वो क्या है? स्थिति काफ़ी उलझी हुई है और सरकार की जिम्मेवारी है, जो सत्ता में रहता है उसकी जिम्मेवारी है कि उसको सुलझाए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा जी कि ये यूपीए के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में हुआ जी। आज ये प्रश्न सामने है और आज इतना बड़ा विरोध है, इसका हल निकलना चाहिए। हल निकालने में दो बात का ध्यान देना चाहिए और ये चर्चा में भी आया है कि जिस किस्म से प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद गूगल से अनुवाद कर दिया जाता है। एक अभी हाल में हमें एक प्रस्ताव का अनुवाद कराना था, किसी को हमने कहा कि भाई जल्दी में ज़रा कर दो, छपाना है। उसको कोई कठिनाई रही होगी, उसने जब दिया तो हमने पहले लाइन में देखा महंगाई गुलाब, सुनिए महंगाई गुलाब, हमने कहा महंगाई गुलाब क्या। फिर हमने अंग्रेजी देखा तो महंगाई बढ़ी, तो रोज का उसने गूगल ने गुलाब कर दिया था। तो जो चीज़ दिया जाता है, आप अगर कहीं उसको आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करना ही था तो बहुत सी हिंदी की किताबें हैं, उसमें से आप लें और फिर दूसरी भाषाओं को, भारत में जितनी भी भाषाएं जो विभिन्न राज्यों की है उसको बराबरी का दर्जा देते हुए और जो आप करें उसमें से ओरिजिनल लेकर के आप करें जी। आप इस किस्म से करते हैं और एक नया चीज आपने शुरुआत कर दी तो छात्रों का जो मांग है वो बिल्कुल सही मांग है। इसको अभी आप हटाइए, इसको अभी आप हटाइए इसको, और हटा करके उसके बाद कोई कमीशन कमेटी बनाइए, कोई नया चीज होगा, तब तक तात्कालिक तौर से इसको हटाकर जो कम से कम इस वर्ष का जो काम है वो कीजिए। वर्मा कमेटी ने क्या आपको रिपोर्ट दिया, नहीं दिया, क्या दिया, वो भी लोगों के सामने सही रूप से अभी तक आया नहीं है। इसलिए इस उलझाव को समाप्त करना, अनिश्चितता को समाप्त करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कदम खींच रही है पीछे। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अभी इस आंदोलन में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले हैं कितने, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो बैठ के आंदोलन करें। और मुझे आश्चर्य है, मैं भी पिछले 3 साल का अंत में हमने कहा है कि भैया मुझे प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन दिखाओ। मैंने देखा है जो कुछ किया बताया जा रहा है उसमें से 80% गलत बातें हैं, गूगल से कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है, हमेशा जो है परीक्षाओं में अंग्रेजी के हिंदी ट्रांसलेशन में कठिन शब्द हुए करते थे। हम लोग भी कुछ परीक्षा दिए हैं तो हम लोग अंग्रेजी देख करके उसको दे देते थे, आज की परंपरा नहीं है, ये लंबे समय की है। भाषा के आधार पर अगर कोई भेदभाव है उसके आधार पर कोई प्रतिभाशाली छात्र पीछे छूटता है, निश्चित रूप से यह भारत के लिए शर्म का विषय है। लेकिन इस समय जो निर्णय हो गया है, मैं ये समझता हूं कि अगर हो गया कि ठीक है अंग्रेजी के पार्ट का हम डालेंगे ही नहीं आप में,
तो अब और क्या चाहिए? अब ये किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए? क्या दसवीं? नीताजी आठवीं का चाहिए? नहीं नीताजी बोलेंगी, नीताजी बोल रही है। मैं शुक्ला जी से ये कहूंगा कि जिस समय शुक्ला जी यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे थे उसी समय 2005 वो उन्होंने कह दिया कि अब की जो सरकार है इस वक्त जो सरकार है उसको देखना है। ऐसे नहीं होता है। 2005 में ज्ञान आयोग की रिपोर्ट आई थी, देखिए उनके पक्ष बिल्डिंग आप बनाए, बिल्डिंग में माल आप खा जाए, बिल्डिंग कमजोर हो, बिल्डिंग ढह जाए। 2005 में ज्ञान आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें बाजाबता कहा गया था कि अगर भारत को अवधेश जी प्रक्रिया आप रोक रहे हैं गलत। पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाए उसको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, उसके हिसाब से सारे कंपटीशन के स्ट्रक्चर चेंज हुए। उस समय शुक्ला जी की सरकार, शुक्ला जी की पार्टी पर सरकार निर्भर थी। ये जो 2011 में ने हाथ खड़े कर दिए हैं उसका आधार 2005 में बनाया गया। शुक्ला जी ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा आज की जो सरकार है उसको आज कांग्रेस को देखिए ना, जो सबसे बड़ा खलनायक है कांग्रेस जो कि पापी है, जिसने ये किया वो पुण्यात्मा बन के जो है के लिए खड़ी है धर्मात्मा बन के। नीताजी अवधेश जी, अवधेश जी अभी आपने शुरू से चलते हैं इसको, ये जो सब्जेक्ट है सी सैट का इतना हल्का नहीं है कि बस चिल्लाने से इसको दबा दिया जाए। सबसे पहले तो आपने क्यों किया? सबसे पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं आपने क्यों किया ये तो बता दीजिए। ये एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी की नीताजी एक सवाल है कि अगर अब जो युवक हैं हमारे यहाँ के वो अगर अवेयर हो रहे हैं और किसी चीज को लेकर के अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो एक प्रति आपकी इस समय बड़ी लगाव दिख रही है हमारी, और 2011 में नहीं दिखी। हर एक की होनी चाहिए। सारे बैंकिंग परीक्षा के पैटर्न आपने बदल दिए, वो भी नहीं दिखी। अंग्रेजी को आपने वर्चस्व स्थापित कर आपको भी और सारे ही कांग्रेस को तो पहले देश से माफी मांगनी चाहिए। परिवार देश में इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई है और मैं ये कह सकता हूँ दिलीप जी इसमें एनएसयूआई देश में सवाल लगाना चाहते हैं। मैं अब इस आंदोलन का समर्थक नहीं हूँ, एक समय मैं था। अवधेश जी नेताजी को पूरी बात तो कहने दे। नहीं क्या बात कहेंगी? कांग्रेस कैसे बात कहेगी? आप ये कहते हैं कांग्रेस का हक ही नहीं बोलने का। आप आग लगा दीजिए और दूसरे को कहिए कि तुम जल्दी बुझा क्यों नहीं रहे हो। कांग्रेस आप तो विचित्र हालत है, आप गोली मार दीजिए और दूसरे को कहिए कि तुम जल्दी उसके पेट से गोली निकाल क्यों नहीं रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? केवल इसको कांग्रेस भाजपा का इशू मत बनाइए। दूसरी बात, आज कौन सी पार्टी है जो आपकी इस चीज में समर्थन कर रही है? कोई भी पार्टी आज बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही सीसेट को लेकर। उससे क्या फर्क पड़ता है? सारी पार्टियां इस देश की पाखंडी है, वो अपने कुकर्म करती हैं और दूसरे को सुकर्म का उपदेश देती हैं। एक मिनट अब मुझे बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा आप बोल चुके हैं जी। केवल मुद्दा यहाँ अंग्रेजी का ही नहीं है। मान लीजिए अगर अंग्रेजी हटा दी जाती है तो 8th शेड्यूल में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं जो अभी उसमें इंक्लूडेड नहीं है? केवल 22 भाषाएं हैं, बाकियों का क्या होगा? तो बात केवल अंग्रेजी की नहीं है, अंग्रेजी से के कारण तो एक फील्ड ऐसी थी ही जहां सब बराबरी का सिविल सर्विसेज परीक्षा का क्वेश्चन है, इस समय भाषा का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात है सी सेट का जो इम्तिहान है इसका मतलब स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड, उसमें देखा जा रहा है मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी। सब तो कहा ये जा रहा है कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रही हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जिस समय ये परिवर्तन आपकी सरकार कर रही थी केवल अंग्रेजी को हटा देने से इसमें कुछ नहीं होने वाला? आपकी सरकार, आपके सरकार में जो लोग बैठे हुए थे जी, कि जब ये फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर रही थी कांग्रेस और उनके सहयोगी यूपीए में 2005 में और अलग, तब उस समय इनकी पीड़ा, इनकी उत्तेजना, इनका सामाजिक दायित्व भाषा के प्रति जवाबदेही, तब लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए इस समय बहुत बड़ा मुद्दा जो है आपने आज वो ये है कि इनको उस समय नेताजी मेरा सवाल तो आपकी तरफ आने दीजिए। आपकी सरकार पहले आप बोल लीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ। और आप हर मुद्दे को यूपीए पर ले जाकर ठीकरा फोड़ देते हैं, इसके अलावा आपके पास अब कोई चारा ही नहीं है।
नहीं, क्योंकि हर मुद्दे पर आप दशानंद की तरह, दशानंद की तरह हर बुराई के लिए आपके पास एक नया मुखौटा होता है और वो जितनी बारी एक निकलेगा उतनी बारी आपको नाम आएगा, उतनी बारी उस मुखौटे को तोड़ा जाएगा, उतनी बारी आपको पीड़ा होगी और उतनी बारी आप बोलेंगे क्यों यूपीए को बोल रहे हो। अरे इतने पाप करोगे तो कहीं तो चलिए यूपीए और भाजपा ने सरकार बनाई है, आज 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 समस्या एक एक समस्या का समाधान चाहिए ना जी, आप समाधान बताइए कल क्या हुआ 2005 हटाने की मांग करते हैं, आज समाधान बताइए, क्वेश्चन उठा था, इन्होंने कहा था कि ये जरूरी है, आज दुनिया बदल गई और आज कह रहे हैं कि हटा दो, आज समाधान बताइए और इस सरकार की जिम्मेवारी आज आप सत्ता में है, अगर उत्तर प्रदेश का आज में क्या हुआ, अगर सब ठीक होता तो आप क्यों आते, अगर वो सब ठीक करते हैं तो जवाब जवाब दे, अब दे जवाब देने दीजिए या सवाल मत पूछिए, नहीं वही मैंने सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ तो जवाब देने दीजिए, समाधान निकालिए आप जी, 2005 और 10 में समाधान बताइए, जाके नारे लगाएंगे इन्हीं लोगों की सहमति से सब हुआ था, समाधान बताइए, अगर जहां तक समाधान इसका है आप परीक्षा दे किसमें रीजनिंग नहीं रहा है, अगर ये लड़के साहब अगर दसवीं के पास की मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड अवधेश जी सिविल सर्विसेज से काम करने का अधिकार ही नहीं है, अवधेश जी अवधेश जी भाषा के स्तर पर इनके साथ था, अवधेश जी दो सवाल है, दो अलग अलग सवाल है अवधेश जी, फिर तो आप ऐसा करिए बिना परीक्षा लिए हुए ही इनको प्रारंभिक में पास कर दिया जाए, बेफजूल की तो आप कह ही नहीं सकते, ऐसे ही थोड़ी हजारों लाखों कहीं नहीं कर रहे हैं, देखिए ये आपकी पार्टी का आम आदमी पार्टी का ये सब जाके और आंदोलन करिए तो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद भाषा की लड़ाई है, आपको क्या लगता है अवधेश जी जो लड़ाई है आप कह रहे हैं कि वो छात्र नहीं है ये लड़ाई मैं है। कह रहा हूं कि इस समय जो तात्कालिक समाधान था परीक्षा का पैटर्न अगर बदलना है तो उसके लिए कम से कम 6 महीना 8 महीना समय चाहिए, पूरा विचार करना पड़ेगा नए सिरे से क्वेश्चन बनाने के लिए, इस समय अंग्रेजी की एक मांग थी उसको सरकार ने हटा दिया है, बाकी मांगों से मैं पहले भी सहमत नहीं था कि केवल सी सेट के कारण बच्चे हो रहे हैं, बिहार यूपी बिहार यूपी की शिक्षा व्यवस्था ढह चुकी है, वहां एमए पास विद्यार्थी आज दसवीं के स्तर का नहीं रखता है, अब ये सब कैसे निकल सकते हैं, समस्या वहां है। उपेंद्र जी जो इस वक्त मांग है छात्रों की कि सी सेट को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी जो कह रहे हैं या सीपीएम के या अन्य दलों को उनको उनकी बात छोड़ दें, इस वक्त रास्ते कहाँ निकलते हुए, किस तरह से रास्ता निकाला, किस तरह से इसका हल आप देख रहे हैं? देखिए ये इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, कांग्रेस बनाम अन्य या आम आदमी पार्टी और ASF SFI बनाना ही नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि लोगों की मांग है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, लोगों ने जो आरोप लगाया है कि गूगल के द्वारा ट्रांसलेट कर दिया गया इसकी जाँच होनी चाहिए, अगर गूगल के द्वारा ट्रांसलेट हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा करने का निर्णय लिया है जी उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, थाने में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, अगर UPSC का चेयरमैन और उसके मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं डिसीजन लेने में कि गूगल ट्रांसलेट करेगा तो उनके खिलाफ तो मुकदमा बनता है 420 का, उन्होंने नॉन अंग्रेजी लोगों को जो वो पढ़ेंगे उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनके धोखाधड़ी से के लाखों लोग शिकार हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा मेरा मुद्दा मानना है कि UPSC का चेयरमैन और उनके मेंबर्स और इसके अलावा भी अगर और कोई जो लोग इस निर्णय में इन्वॉल्व हों कि गूगल ट्रांसलेट करेगा उनके खिलाफ 420 का मुकदमा चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप कुछ ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेटर का क्रीडेंशियल पहले आप जानते हैं, तो इस जाहिर अगर उन्होंने गूगल से करवाया है तो गूगल का क्रीडेंशियल उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की, तो एक तो मेरा ये मानना है कि अगर UPSC अपनी ऑटोनॉमी का ढिंढोरा पीट रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का ताव खा रही है तो उसके ताव को भी कानूनी तरीके से उसको टैकल किया जा सकता है कि अगर आपने गड़बड़ी की है तो आप सजा पाइए। चलिए एक पक्ष सवाल ये है कि इसका रास्ता इस वक्त नहीं, योगेंद्र यादव मुझे देख रहे हैं, देखिए वो मेंबर थे UGC आपको मालूम है, वो जी देखिए वो शिक्षा नीति के निर्माण में उनकी भूमिका थी और आज बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना एक से एक हमें राजनीति करने वाले आंदोलन हो गए हैं, छात्रों का अहिंसक आंदोलन था, उसके आधार पर हम नहीं तय कर सकते, उसके आधार पर हम इसका जो गुणवत्ता उसके आधार सही है गलत है
ट्रांसलेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि ठीक है आप ये बोल रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं। अच्छा पहली बात, दूसरी बात की ट्रांसलेशन हिंदी में जो है वो कठिन है, हमेशा से ही इस देश में जो अंग्रेजी का हिंदी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन है उसमें अंग्रेजी आसान होता है, हिंदी कठिन होता है। चलिए रमन जी कुछ कर रहे हैं, उपेंद्र जी रमन जी कुछ कर रहे हैं, बीजेपी के हम जाए हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। बहुत कुछ बोला मैं, नहीं बोला मैं बतलाता हूँ, अभी उनको बोलने दीजिए फिर मैं सबका जवाब देता हूँ। केंद्र सरकार को अपने आप को असर्ट करना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की जो इज्जत है वह अभी दांव पर लगी हुई है। क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, इसमें अभी केंद्र सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस, केंद्र सरकार को अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए बच्चों का फ्यूचर के बारे में आपने पास किया क्यों नहीं सोचा था? बस आप जर्नलिस्ट ही बोल सकते हैं और कल अगर कुछ कह रहे हैं अपना मत रख रहे हैं तो आपको बहुत खराब, जबकि सही बात कह रहे हैं एकदम कि सी सेट को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। सी सेट को बिल्कुल हटाना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड, साल को जीरो नहीं होना चाहिए, इंजीनियर्स हो या आर्ट्स के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। रमन जी फाइनल रमन जी बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे। उपेंद्र जी जवाब दे दूं जी, परीक्षा रोक दे तो अच्छा ही है, इस बार रोक दो पहले का पैटर्न जो 1979 से चल रहा था उसको। देखिए रमन जी बोलिए, सबसे बड़ी बात कि जो जैसे अवधेश जी ने बोला कि जो स्टूडेंट्स मेनली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं उनको ये पता नहीं होता कि दीन दुनिया में हो क्या रहा है, जो जिनकी प्रिपरेशन चलती है। एक इशू था अंग्रेजी को लेकर जो मेन मुद्दा उठाया गया उसकी रिजोल्वेशन दी गई, अंग्रेजी हिंदी मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा सी सेट था। आप तो ये अगर गलत तरीके से उठा दिया कि उसको कम से कम जवाब तो देने दीजिए उपेंद्र जी। मैं सही बोल रहा हूँ, लैंग्वेज इशू था ही नहीं, इशू सी सेट था, उसको आपने जबरदस्ती है कि आपने इशू को गलत तरीके से उठा दिया। जवाब या तो ले लीजिए या मैं सही कह रहे हैं कि अंग्रेजी मुद्दा नहीं है, अंग्रेजी हिंदी मुद्दा है। आपके राहुल गांधी जी ने भी ये विचार करे थे, राहुल ग्रेजुएशन ग्रेजुएट भी नहीं। चलिए खत्म करिए, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये यूपीए के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज हैं जिसमें योगेंद्र यादव जैसे और एनएसई जो सोनिया गांधी के अंडर वर्क करती थी उसके टिप्पणियों के बाद ये सारी चीजें होती थी वहां पे बरुआ जी के और नरवा सिंह की किताबों से सारी आधार पर आप विक्टिमाइज नहीं कर सकते। एक मिनट उपेंद्र जी कम से कम जवाब देने दीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अलग मामले को ले जा रहे हैं। नहीं मामले पे ले जा रहा, आपको हर मुद्दे का लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप देश की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। किसने खिलवाड़ किया? ये एक बहुत क्लियर चीज है कि आप देश की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कौन खिलवाड़ कर रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब आप कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए रमन जी, जो कांग्रेस का चिन्ह है आप खत्म कर दो। हम तो कह रहे हैं 1979 से जो पैटर्न था उसको लागू कर दो। अगर एक इशू है वो ऑपरेटिव इशू है, वो गवर्नेंस इशू नहीं है। कांग्रेस के सारे लेकिन बड़ी चीज जो है देखने वाली, कांग्रेस नहीं है जहर सबको पिला करके जो है। हमें दूसरे मुद्दे भी हमारे साथ है, बड़ी चीज जो है वो देखने की बात है कि यही कांग्रेस वो है। आप बिहार और उधर को छोड़ दीजिए, हरियाणा के 56 स्कूल ऐसे आए हैं जिनका रिजल्ट जीरो आया है। चलिए तो ये अलग अलग हमें नीता जी रमन साहब, प्रयास से आप फॉरेन यूनिवर्सिटी आए, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक बात कर रहे थे, चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेचना चाहते थे। अरे आप सत्ता हाँ आज बोल रहे हैं, मंदर से बोल रहे हैं, आज उपेंद्र जी चार्ज है। लेकिन एक बात बताइए नीता जी, जब ये लागू हुआ तब कहाँ ये सेंटिमेंट था, ये बताइए। नहीं
मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तो सब कुछ एक्सटेंशन कांग्रेस का ही नहीं, मैं दूसरा चीज तो क्या मतलब आप हम लोग को ये सेंटीमेंट था कहाँ, मैं कह रहा हूँ ये सेंटी स्वागत है घटनाचक्र में आपका। मेरठ में एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जिसको लेके संसद में भी इस बात को उठाया गया। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मायावती क्या कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मधुसूदन साहब क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस घटना पे, वो आप खुद देखें। आई थिंक स्टेट शुड प्ले प्रोएक्टिव रोल इन दैट, देयर शुडंट बी एनी फोर्स कन्वर्जन टू एनीबडी, पीपल आर रेडी टू you know, preach any religion, people should be allowed to preach any religion they like. And certainly, you know, the people who are involved in raping, you know, that has to be punished, you know, under the law. And the state should take in swift and immediate action. राज्य में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वेंकैया नायडू साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। But it is the law and order is basically a state issue and the state governments has to take care of them. Sometimes those issues are also raised in parliament, they have been precedents, but at the same time the my general observation is it's better to discuss these issues in the state assemblies rather than parliament, because the central government cannot take directly any action in any of these cases unless there is a total breakdown of the constitutional mission. Ji hum sabse pehle Raman dekhiye, ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है और इसमें जो करा गया है, जैसे हम पहले भी बोलते आए हैं, यूपी के अंदर एक वर्ग विशेष को वहाँ के एक पावर सेंटर ने बहुत क्लियरली ये बोल रखा है कि उस वर्ग विशेष के खिलाफ कोई पुलिस की एफआईआर वगैरह बिना उनसे पूछे नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के कारण जो वहां लचर है उसके कारण ये नहीं, कानून को कानून की तरह काम नहीं करने दिया जाता क्योंकि उन्हें अपनी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो करनी है जी। और उसके बनिस्बत जो हमने देखते आए जहां भी, चाहे वो मुरादाबाद था, चाहे वो अपना सहारनपुर था, चाहे वो दूसरी जगहें थी, ये सारे इंसिडेंट एक ही चीज का है कि आप एक वर्ग से अगर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अंधा राज है। लेकिन क्या मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री जो आईएसआई चल रही है, क्या ये अब वो कहाँ है जो कैंडल मार्च करने में इतने तत्पर रहते थे, वो अब कहाँ है जी? चलिए इनके शुक्ला साहब, ये अब कहाँ है ये सेकुलरिज्म का आलम, बाजार जी का पूछ रहे हैं किधर है, कहाँ है, सड़क पे नहीं है, आवाज नहीं उठ रही है। जो भी घटना घटी है जी, ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और यूपी सरकार को ये बात सही है कि हाल के दिनों में जो भी रिपोर्ट आ रही है, जैसे लगता है कि उनकी सरकार पर पकड़ बहुत ढीली हो गई है, पुलिस पर और ऑफिशियल्स पर और ढीली हो गई है। हाँ, जो रमन बात कह रहे हैं कि खुली छूट मिली हुई है, रमन जी जो कह रहे हैं उनका तो हर चीज में खुली, इनका तो एक ही लाइन पर जाने वाले हैं जी। तो वो सर वो हमारे यहाँ पे काडर काडर ये नहीं बोलता कि हमने हम कत्ल कर देते हैं अगर हमने हमारी बात ना मानी जाए। आप आपके कम्युनिस्टों ने वो भी कबूल करा केरल में, कहीं कहीं से कोई घटना घटती है
तो रमन जी के लिए तो एक ही लाइन दिखाई देता है। आपके लिए क्या लाइन है? आप तो अपने लाडर का खत्म कर देते हैं। आपके लिए क्या लाइन है? सवाल ये, मैंने तो ये कहा कि जिसने जो भी जहां किया है और जो जवाब दे है जी, वो व्यक्ति अब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है। वो सहारनपुर में जब दो माइनॉरिटीज के बीच में झगड़ा हुआ तब सेकुलरिज्म वाले कहां थे? वो व्यक्ति, वो आदमी, चलिए आपके पास ठेकेदार बने हुए थे, वहां के अधिकारी, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, हर घटना को एक सांप्रदायिक लाइन पर ले जाना और विभाजन करना जी, वो तो इनका राजनीतिक लाभ लेने का, उस पर वाला मामला आप यही बना रहे हैं। चलिए भाषा के ऊपर विवाद खड़ा करने के लिए शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे इस बात पे बड़ा कष्ट है कि आप हर चीज में एक सांप्रदायिकता की भावना लेकर चले आते हैं और कांग्रेस पे वार करने लगते हैं। आपके कांग्रेस के मसूद साहब ने आज का जो सहारनपुर में जो बोला था वो सेकुलर था। आज का जो मेरठ का किस्सा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इस कदर खराब होती जा रही और है और उसी बिसाखी के कारण ये खड़े हुए थे, इसके लिए तो कम से कम तब भी ये हो रहा था। पिछले तीन साल में 200 से ऊपर घटना हुई, वही बिसाखी इन्होंने ली हुई थी। इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक जिम्मेदार आपकी तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। एक तो महिला को वहां सरेआम हमीरपुर में उसकी बोली लगाई जाती है, उस चीज को यहाँ पार्लियामेंट में लिया गया, डिस्कस किया गया। आज एक नया एंगल आया, महिला को रेप ही नहीं किया जाता बल्कि उसके धर्म परिवर्तन के लिए भी उसके ऊपर उसको फोर्स किया जाता है। तो जब इस तरह की इस इशू के ऊपर एफिडेविट भी, सरकारी एफिडेविट जो कि रजिस्टर्ड है, वो भी सामने आया है। आपसे एक्सपेक्ट ये करा जाता है कि आप इन चीजों के प्रति कम से कम आप एक नारी हैं, ये तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसे मुद्दे के ऊपर आप एक सांप्रदायिक लोग को बचाए नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो आपको कम से कम सेंटर में होते हुए एक बार को वहां पर पूछना तो चाहिए कि आए दिन ये कैसे हो रहा है कि आपके यहाँ महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। चलिए केंद्र की भी कोई केंद्र में सरकार है, केंद्र को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर केंद्र पूछता है तो बोलेंगे इंटरफेयर कर रहा है और नहीं पूछता तो बोलेंगे करो। लेकिन अपने उपेंद्र जी, लेकिन यही सरकार जिसके ऊपर चल रही थी बिसाखी के ऊपर, 200 चीजें हुई एक साल के अंदर, 100 से ऊपर सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके अंदर उपेंद्र जी जी देखिए अभी ये जो मामला है ये जितना दिखाई पड़ रहा है उससे ज्यादा खतरनाक मामला हमें लग रहा है। जी ये सांप्रदायिकता का ही मामला नहीं है, उससे आगे का मामला है जी। ये लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा है फ्लेश ट्रेड का। उस लड़की ने भी शक जताया है कि और भी लड़कियां 20 लड़कियां थी जी, और उन सबको गल्फ कंट्री में भेजा जाना था। तो ये तीन की गिरफ्तारी हुई, हमें आश्चर्य की बात है अभी तक तीन ही की गिरफ्तारी क्यों हुई, रैकेट है तो और लोगों को जगह खाली हो चुकी थी। तो ये मामला हमें लगता है कि ये चूंकि अगर कुछ इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही है, ये मामला सीधे केंद्र सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और ये पूरा का पूरा देखा जाना चाहिए क्या इसके पीछे है मामला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रह जाता है कि ये केवल केंद्र सरकार को इंटरफेयर करके बोले कि भाई ये इसकी अब हम जांच करेंगे। टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे क्या है, कितना गहरा है, उसने कहा इसके बारे में केंद्र को ही जांच करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की लड़कियां थी, बिहार की लड़कियां थी, झारखंड की सबको बतलाती है जो मुक्त हुई है, बोला कि एक मदरसे में 20 लड़कियां और थी और उन लड़कियों को भी उसमें हो सकता है कि कुछ मुस्लिम ही लड़कियां हो। सवाल ये है कि ये तमाम चीजें जब होती हैं, अगर हो रही है तो प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत साफ है अवधेश जी कि ये कानून व्यवस्था लचर प्रशासन और जो बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सोच तो नहीं है कि हम ये सरकार है, इस सरकार में एक माइनॉरिटी को लेके, मुस्लिम को लेके जो सरकार की सोच है उसका फायदा उठाने का कुछ जो तत्व है, शरारती तत्व, उनका ये तो नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए इसके पांच पहलू हैं। सबसे पहला तो जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है किसी लड़की को उठा करके उसके साथ गैंगरेप करना जी। इसका दूसरा पहलू जो है वो है कि उसको मतलब उसका धर्म परिवर्तन करना। तीसरा पहलू है इसमें मानव तस्करी का, जो मूल उपेंद्र जी बात उठा रहे हैं फ्लेस्टेड, मैं इसको मानव तस्करी का कह रहा हूं, जिसके लिए उसका ऑपरेशन करके और गर्भाशय में से फैलोसियन ट्यूब हटा दिया गया है। वहां जो भी भेजे जाते हैं अरब कंट्री में लड़कियां महिलाएं, चूंकि वो गर्भवती नहीं हो इसलिए उनका फैलोपियन ट्यूब दो में से एक हटा दिया जाता है, तो वो हो गया। और पांचवा जो इसका इशू है वो है कि भाई ये गए ये सॉरी पांचवा इशू ये है कि आखिर
ये मदरसे के अंदर जो उस क्षेत्र में जहां ये किया गया है वो देखने की जरूरत है। और अभी तक तो छापामारी हो करके आप तो छिपा लिया जाएगा, अब आपको मिलना मुश्किल है कि 24 घंटे के अंदर उस एरिया के सारे मदरसों को मस्जिदों पर छापामारी करके देखा जाना चाहिए था। जो लड़की कह रही है कि हमारे साथ अगर इतनी लड़कियां वहां थी, उनके ऑपरेशन हुए हैं, उनके उनके भी निकाले गए हैं, पहले उनके साथ सब बलात्कार करते हैं कि हम तुमको जो है पहले पाक कर रहे हैं और पाक करने के बाद भेजेंगे, अगर वो स्टेटमेंट दे रही है तो ये तो फिर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विभत्स और इससे ज्यादा डरावनी स्थिति हो ही नहीं सकती है। और आश्चर्य का विषय है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री ऐसा लग रहा है कि उनको पीलिया का रोग हो गया हुआ है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि राज्य का विषय है अब वो केंद्रे तुम्हारे देश से ज्यादा विदेश जा रहा है, तुम शर्म तो करो। गृह मंत्री इस देश का कहां है वो जो कि ऐसी स्थिति पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है आदमी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके तो सरकार के लिए ये डूब मरने का विषय है कि एक सिंह की तरह गर्जना करो और कार्रवाई कराओ, उसकी जगह उकारा है, ये राज्य का विषय है। इसमें इंटरनेशनल फ्लैश ट्रेड, इंटरनेशनल मानव तस्करी का मामला है, इसमें धर्म परिवर्तन का मामला है, इसलिए किसी राज्य के कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें मैं एक और लाइन बोलूंगा जी। इसमें संभव है कि 20 लड़कियों में हो सकता है अधिकांश मुस्लिम लड़कियां आई हो, उन लड़कियों को भी ला करके भेजा जाता होगा, कोई जरूरी नहीं है इसको तो चुकी हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी लड़की का जो रिपोर्ट देख रहा था आज दोपहर को उसमें ये बोला गया उसको जांचने और रोकने की जरूरत, और मैं उसी को कोट करते हुए बोल रहा हूँ कि जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंची है जी रेड मारने, तब तक वहां सारा कुछ साफ हो चुका था। लेकिन एक एफिडेविट भी ऐसा बाहर हाथ में लगा है जो ये दर्शाता है कि धर्म परिवर्तन हुआ जी। तो ये पूरे जो बिंदु हैं ये जुड़ रहे हैं जी। और जहां तक स्टेट की है, स्टेट को करना पड़ेगा जी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सवाल नहीं है, राष्ट्रीय आता है ये होम मिनिस्टर को स्टेट का विषय कैसे हो सकता है ये जो जो लड़की के पिता ने मेरी पूरी बात सुनिए। एक सेकंड रमन जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर विश्व रमन जी का सामने आता है बात कर लिए मोटो रमन जी, आपने होम मिनिस्टर को ये इशू उठाना चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए, आज इंटरवीन करना चाहिए। जो लड़की की और पिता कह रहे, लड़की के जो पिता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी जिसके साथ ये हुआ है उसने कहा है अपने पिता को कि और भी हिंदू लड़कियां थी और उनको भी कन्वर्ट करने के प्रयास किया गया है, और मौलवी ने उनको कहा है कि उनको शेख के साथ शादी करके उनको शादी कर दिया जाएगा और उसको दुबई भेजा जाएगा। ये बात कह रहे, तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा सिर्फ ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन या गैंग रेप से जुड़ा हुआ है, ये जो फ्लैश ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये जो बुरी चीज है पे आया जी, था। उसमें वो राज्य का मसला राज्य का मसला नहीं रह जाता जी, और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना आपको चाहिए। लगता है कि जो सरकार ने आज बयान दिया है, सहारनपुर के दंगे के बाद केवल एक बयान दे सकता है कि हमने 600 पैरामिलिट्री भेज दिए, अरे तो पहले की सरकार भी भेजती थी। इस प्रकार के गृह मंत्री को तो उस पद पर रहने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, ये केंद्र सरकार का मसला है। नरेंद्र मोदी की सरकार को जरा अपनी अपना जो जिस प्रकार से वो चुनाव के पहले भाषण देते थे या अभी भी बोलते हैं, जरा उसको करनी में उतार के और दिखाना चाहिए कि हाँ देश में अब ये नहीं चलने वाला है। नीताजी उसमें सरकार बिल्कुल हमें ब्रेक पर जाना। नीताजी सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है, मुलायम जी की सरकार जो है, वो बिल्कुल भी महिलाओं के प्रति उसमें संवेदनाएं हैं भी या नहीं है। मुझे लगता है कि उनके लिए महिलाओं के प्रति कोई भी संवेदना नहीं, ना ही कोई सम्मान है। सबसे बेसिक चीज तो यही मुझे लगती है। इसके बाद फूट-फूट के रो रही है राज्यसभा में, लगातार एक डिनायल मोड में रह रही है वहां की सरकार। वो तो मानना ही नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति कोई अपराध भी हो रहे हैं। चलिए केंद्र और सरकार, और ये जो क्या मामला करती आज है? का जो मेरठ का आया है ये बहुत ही गंभीर, ये केवल एक रेप का ही मामला नहीं है, ये उससे और आगे है जी, तो बहुत भी इन्वॉल्व। अभी तक दिलीप जी दो प्रकार के मामले आ गए, एक तो आ गए कि एक बड़ा गैंग जो अल्पसंख्यक का है वो वहां जो है जबरदस्त किसी को घर बनाने के लिए, धर्म संस्थान बनाने के लिए उस पर दबाव डालता है कि पैसा दो नहीं तो दंगा करा के तुमको परेशान कर देंगे।
और वो सहारनपुर से वो निकला है। दूसरा ये मामला हुआ। तीसरा जो मुजफ्फरपुर में था, वो लड़की जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ होता था, उसके दोनों भाई गए, उस दोनों भाई को मार दिया गया। समय कम है, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम चर्चा करेंगे दिल्ली में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है उपराज्यपाल को कि या तो आप एक महीने में यहां सरकार बने या विधानसभा को भंग करके चुनाव कराया जाए। साथ साथ केंद्र से भी पूछा, केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक ये जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, और सरकार बनाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या पहलू है, इसके मायने क्या है। एक बहुत साफ साफ, उपेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं। अब देखिए जो डिले हो रहा है यानी सरकार के गठन में या विधानसभा के भंग होने में, तो कोई भी एक जो सेंसिबल व्यक्ति है वो कहेगा कि भाई ये डिले उचित नहीं है, इतना ज़्यादा डिले होना जी। या तो सरकार बनाए या विधानसभा भंग करके नया चुनाव करवाए जी, दोनों। तो मेरा मानना ठीक है, अगर सरकार कोशिश हो रही है सरकार बनाने की, तो वो तो हमेशा उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी, उसको एक मौका देना चाहिए कि भाई सरकार बनाइए, सरकार बना के चला करके देखिए, अगर सरकार चल गई तो ठीक है, गिर गई तो फिर विधानसभा का चुनाव करवा। मौका लेने की कोशिश करेंगे तब तो जी, जी। मौका लेने के लिए जब दावा करेंगे तभी तो। नहीं तो दावा नहीं है, गवर्नर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के है उनको बुला करके बोल सकता है कि भाई आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हम चाहते हैं कि आप शपथ ग्रहण करें। भाजपा की हिम्मत हो तब तो जाए बना। उसके बाद है कि आप सरकार आप बहुमत साबित कर दीजिए, अगर बहुमत साबित ना चुनाव में जाने की हिम्मत हो रही है ना सरकार बनाने का मिल चुका है, तो सांप सुंदर वाली गति है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो इन्हें डर है चुनाव में जाएंगे तो हार जाएंगे, और सरकार बनाए तो जोर तोड़ से बनाना पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे। ये अभी भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत बुरी स्थिति में फंस चलता है। नीता जी, आपको या तो सरकार सबसे बेहतर तरीका ही है। देखिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिल चुका है जी, जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका दे, शपथ ग्रहण करे और विधानसभा में अपना समर्थन साबित करे। अगर समर्थन साबित हो गया तो सरकार चल जाएगी, नहीं समर्थन साबित हुआ तो उसके बाद फिर विधानसभा भंग करके फिर चुनाव करवाना चाहिए, यही समस्या का समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महीने का समय दिया है वो बिल्कुल सही समय है, इस समय का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना चाहिए। चलिए नीता जी, जी मुझे बहुत खुशी है कि आज इस तरह की जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आप गए नहीं, आप कोर्ट में गए नहीं, अरविंद केजरीवाल गए कोर्ट में। पहले एक्सपोज हो चुकी है और भाजपा भी अब एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, ये दोनों जानते हैं कि अगर अब चुनाव हुए तो इन दोनों को अब जो सीटें मिली थी जो ये इंजॉय कराए उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र जी बात को मेंशन नहीं करती, उन्होंने कहा आपकी सरकार थी केंद्र में। नीता जी आप उपेंद्र जी के बातों को बिल्कुल आप उपेंद्र जी के बातों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी दो महीना पहले यहाँ सरकार चला रही थी और ये और दिल्ली में इनकी सरकार थी और आप उस पार्टी को समर्थन देके आपने सरकार चलवाया भी था, फिर वो चले गए, आपने भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन चलिए फिलहाल कोशिश तो भाजपा ने बहुत करी कि किसी कोशिश भाजपा के भाजपा की ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, भाजपा वाले को बोलने दीजिए भाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है मैं उसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोली गई चीज है और न्याय संगत है जी। लेकिन अन्याय संगत कहां हो रहा है ये बताइए, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। आज मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन मिली, वो लवली जी के थ्रू मिली कि आपके कोई 15 आप पार्टी के कोई 15 विधायक हमारे में जुड़ जाएंगे, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे या हमारे को सपोर्ट दे देंगे। कुछ दिन पहले आपने कोशिश तो की थी रमन जी, मैडम आपको पता होगा मेरे को तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने। चलिए इस पे वापस सरकार बनाने का प्रयास होगा बीजेपी की तरफ से। देखिए किसी भी गैर संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बनाई जाएगी,
ये मैं आज बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, कोई भी गैर संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बनाई जाए जी, वो तो बन ही नहीं सकती है। आपको लग रहा है कि ये जो बात आप कह रहे हैं तो क्या संवैधानिक तरीके के अलावा भी कोई तरीका है सरकार बनाने का? अवैध तरीके से ही काम, अवैध तरीके और गैर संवैधानिक तरीके, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी देखे हुए हैं जिस तरीके से एक वोट खरीदा जाता है और सरकारों को गिराया जाता है। आप खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं करें, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल चुनाव को बजाएंगे, बिल्कुल मंत्री बनाकर दूसरे पार्टी के लोगों। अवधेश जी देखिए, मेरे लिए तो ये बड़ा दुखद दिन है कि भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में अगर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो आखिर फिर राजनीति प्रतिष्ठान करेगा क्या? इसलिए ये लोग भरे उसका स्वागत करें, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं लोकतंत्र के लिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खासकर सरकार बने न बने रहे उसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े। ये बहुत दुखद दिन है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, कभी भी मैं चाहता भी नहीं हूं कि हो। इसीलिए जब लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे उन्होंने उनके नोटिस तक को नहीं लिया था कि उनके अधिकार में नहीं है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन दिल्ली की हो गई है वो बड़ा जटिल सिचुएशन है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को केवल सदस्यता जाने का भय नहीं होता ना तो अभी तक 10-15 मिलकर के सरकार बना चुके होते। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश इसीलिए है कि लगातार मीटिंग करके अपने विधायकों को किसी प्रकार इकट्ठा रखें, जल्दी से जल्दी चुनाव हो। लेकिन न कांग्रेस को इसकी जल्दी है न भाजपा को इसकी जल्दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक महीना का समय दे दिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि सरकार एक महीना में उनको कंक्रीट ऐसा जवाब दे ही देगी कि हम चुनाव करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार और टाइम भी ले सकती है, सरकार कोई जवाब भी दे सकती है, तो इसलिए इससे समाधान होते नहीं दिखता है जी। समाधान तो एक महीने में या तो सरकार बनाओ या असेंबली भंग कर दो, चुनाव कराओ। नहीं ये, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये जो है ये डायरेक्शन से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार राजनीतिक मामलों में दखलअंदाजी नहीं कर सकती है, उपराज्यपाल को इन्होंने कहा है। कोशिश करिए, कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र के तीनों जो, लेकिन आप क्या कहेंगे अगर कोई जनप्रतिनिधि घर में बैठा हुआ है काम नहीं कर, उसने पूछा है साफ साफ पूछा है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। नहीं नहीं, अगर संविधान को ये लग रहा है कि लोग काम नहीं कर रहे तो वो एमएलए को काम करने का डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं। एमएलए के फंड केवल सरकार नहीं है लेकिन एमएलए सारे को फंड इशू हो गया है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और सुनिए, और संविधान में राष्ट्रपति शासन का भी प्रोविजन है, संविधान सम्मत है। एक सवाल और भी है कि आखिर केंद्र सरकार दिल्ली के विधानसभा को कब तक निलंबित रख सकती है? ये भी कोर्ट ने पूछा है। ये भी पूछा है भाई, सुप्रीम कोर्ट आजकल डिक्टेटोरियल रूप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, वो उसको मनमोहन, आप जो संविधान सम्मत बात है, मुझे लगता है संविधान सम्मत बातों के हिसाब से ही देश चलेगा, ना कि किसी के आप उसको संविधान सम्मत यह है कि कोर्ट भी अपनी सीमाओं को समझे। नहीं, यहाँ कोर्ट में जब आप जाएंगे याचिका लेके तो कोर्ट सवाल पूछेगा, निर्देश देगी कोर्ट, कोर्ट कर सकता है कि हम कोर्ट के हम गलत दिशा में, राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि है, कोर्ट ये कह सकता है आप ही राष्ट्रपति शासन के खिलाफ जाते तब तो एक मुकदमा चल सकता था। ये राष्ट्रपति शासन के खिलाफ नहीं गए हैं, ये चुनाव के लिए गए हैं। अब चुनाव कराने का काम उच्चतम न्यायालय कराने लगेगी तो देश में बचेगा चुनाव क्या? कराने का काम ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, इनको डिसीजन करना चाहिए, ये कोर्ट का काम नहीं है। उपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि इस समय जो विकल्प आप बचे हैं वो क्या है? विकल्प तो यही है एक जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उससे गवर्नर पूछें कि भाई आप सरकार बना सकते हैं, तो उसका संख्या बल नहीं है तो वो सुनिश्चित कर लें अपने आप को, या बोले कि ठीक है आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, 6 महीना पूरा होने को है राष्ट्रपति शासन का, कोई कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो जाए इसके लिए आप सरकार का गठन कीजिए जी, असेंबली का सेशन बुलाइए और उसमें अपना बहुमत साबित कीजिए, उसमें अगर बहुमत साबित कर दे सरकार जी तो ठीक है, अगर नहीं बहुमत साबित करे तो सरकार का अपने आप पतन हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर को चाहिए कि वो ये उपेंद्र जी अगर ये साहस भाजपा की होगी सरकार बनाने की अल्पमत की या जोड़ करके चलिए तभी ना बनाना तो सरकार उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हिम्मत और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत काम केंद्र की सरकार चाहती है कि दिल्ली में
इलेक्शन हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।